हर महादेव साथियों, कैसे हो भाई सारे? आशा करता हूँ परमपिता परमात्मा से सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सलार के मेकर्स सीज फायर पार्ट वन को दुनिया के हर कोने में ले जाना चाहते हैं। इस मूवी का डंका दोस्तों दुनिया के हर कोने में बजने वाला है और एक अलग ही लेवल का ये मूवी इतिहास रचने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अंदर से तगड़े रूमर्स निकल कर आ रहे हैं, सलार मूवी को इंग्लिश वर्जन के अंदर 2 हफ्ते पहले रिलीज किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अंदर से तगड़े रूमर्स हैं, सलार को इंग्लिश वर्जन के अंदर 2 हफ्ते पहले रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, मेकर्स का यह निर्णय सही है या फिर गलत, दोस्तों इस पे अपनी राय जरूर बताना कॉमेंट बॉक्स में। दोस्तों, उसी पर बात करते हैं। दोस्तों, मेरी नज़र में दोस्तों यह निर्णय सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों डे वन का कलेक्शन जो है उस पर दोस्तों थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि डे वन का जो कलेक्शन है यार, उसे देखने में एक अलग ही मजा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पूरे इंडियन सिनेमा की नज़रें टिकी रहती हैं जब प्रभास डे वन के, जब प्रभास की मूवी रिलीज होती है, क्योंकि पूरा इंडियन सिनेमा सिर्फ और सिर्फ प्रभास पर निगाहें टिका कर रखा है। और आज इंडियन सिनेमा की जो नज़रें टिकी हुई है ना, सलार के डे वन के ऊपर टिकी हुई, क्योंकि दोस्तों डे वन का जो कलेक्शन है एक अलग ही लेवल का जाने वाला है। तो दोस्तों थोड़ा हम मज़ा ख़राब हो गया, क्योंकि दोस्तों मेरी नज़र में ये निर्णय सही नहीं है। हाँ भाई, अच्छी बात है इंग्लिश वर्जन के अंदर सलार आ रही है, बहुत गर्व की बात है, लेकिन यार थोड़ा डे वन के अंदर दोस्तों एक अलग ही लेवल का माहौल बन जाता, क्योंकि यार इसका जो कलेक्शन है ना, एक अलग ही लेवल पर जाने वाला था। तो दोस्तों, आप की क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आपकी नज़र में यह निर्णय सही है या फिर गलत है। और हाँ दोस्तों, भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपका भाई यार एक एक खबर को दोस्तों, सलार यानी कि प्रभास की एक एक खबर को आप तक पहुंचाता है। यार झूठी मूठी खबरें थोड़ी देता हूँ मैं, एक बड़े यार तगड़े तगड़े सोर्सेज से खबर निकाल कर लाता हूँ मेरे भाइयों, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। चलता हूँ दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आपकी क्या राय है, आपको कैसी लगी ये न्यूज़?